ये सही है, देख रहे हैं ये किया जा सकता है सर, इसको किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट बिल के जानवर के मर जाते हैं। आप इन सब जानवर से मिले ना, इनका एक अजूबा देखिए, इसका अजूबा क्या है, सुनामी के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन है। अच्छा हाँ, ये लोग 6 दिन पहले ही चिल्लाने लगे, रोने लगे, हमें समझ भी नहीं है क्योंकि हम लोग जंगल में रहने वाले लोग, हमें क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता है। ये रोने लगे 6 दिन पहले सुनामी का, बैठ गए एक जगह पर, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते हैं, डॉक्टर को लाए, क्योंकि डॉक्टर बोला कोई बीमार नहीं है, मगर पता चला भैया कुछ होने वाला है किसी डॉक्टर के थ्रू से, मगर चुप रहे। सुनामी के 3 दिन बाकी सारे मोर और चिड़िया भी ऐसी करने लगे। जब भूकंप आया तो बड़े हिरन ने खड़े होकर एक आवाज की और सारे हिरन इकट्ठा हुए कि दौड़ कर हमारे बेस की तरफ आए, पीछे के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे, लोगों को सेव किया, सब ऊपर की तरफ भागे, कहाँ सेफ होगा ये उस जगह पर भागे। मगर एक कुछ क्वेश्चन के जवाब हमें मिले हैं। 4 पांव का जानवर सिर्फ आने का संकेत देगा, आपकी जिंदगी नहीं बचाएगा, आपकी जिंदगी बचाएगी आकाश में उड़ने वाला पक्षी। अगर भूकंप के समय किसी स्थान पर बचने के लिए जगह ना मिले तो तुरंत एक काम कीजिएगा, आकाश में उड़ने वाले पक्षी की दिशा को सर्च कीजिएगा और सब कुछ छोड़कर अपने परिवार को लेकर उस भागिएगा, और सब कुछ खत्म होने के बाद जब आप वापस आओगे, आपके साथ जो गया आपको मिलेगा, आपके साथ जो नहीं गया आपको नहीं मिलेगा। इन लोग से बहुत सारा मिलता है, इन लोग से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, इन लोग से ये चीज सीखने के लिए मिलता है कि धरती का मानव अगर अपनी आत्मा से एक बार ये सोच ले कि माँ पैदा करे बिना कपड़े का, मर कर जाओगे कफन मिलेगा, मगर 26 दिसंबर 2004 मॉर्निंग 6-7 भूकंप और सुनामी आया। ईश्वर ने इस कलयुग में ये सुनामी को बेचकर हमें एक संदेश दिया, सब सिर पीटते हैं, माँ मर गया, भाई मर गया, बहन मर गया, रोते हैं, मगर उसने एक संदेश दिया, इसके अंदर किसी ने नहीं देखा उस संदेश को, संदेश ये था कि तुम धरती के इंसान इतने बदनसीब हो कि तुम्हें कफन भी नसीब नहीं, और ये हमें सुनामी के दिन देखने को मिला। जिन लोगों को ढेर लगाकर जलाया गया, किसी के ऊपर कपड़े नहीं थे, बिना कपड़े के था, पातू से फेंका गया, कैरोसिन डालकर आग लगाया। हाँ, 26 दिसंबर 2004 की बात है, तो सोच के देखिए, इंसान लाता भी कुछ नहीं ले जाता भी, जिस दिन ये समझ जाएगा उस दिन धरती में फिर से सुंदरता आएगी जैसे पहले मेरा हिंदुस्तान था, उस तरह मिलेगा आपको। बहुत दुख होता है कि इतने लोग मरने के बाद हमें आज़ादी मिली उस हिंदुस्तान का, जब मैंने आंखें बंद करके ईश्वर के थ्रू से जब हिंदुस्तान को देखा तो दिल को दर्द हुआ। आज बच्चे अपने माँ बाप को पाने से कतराते हैं, भागते हैं उसको छोड़कर, बहुत दर्द की बात है। पहले ऐसा नहीं था, पहले घर में बुजुर्ग गए तो खास किया, सब बहू बेटी अंदर भाग गई सिर पलटल कर, मगर आज ऐसा नहीं है, बाप कुछ भी बोले बच्चा जो टांग उठा के बैठा ही रहेगा, कुछ नहीं करता है, जैसा का तैसा ही रहता है, ये सबसे दर्द देता है। भगवान की पूजा ना करे, अगर माँ बाप की सेवा थोड़ी सी भी कर ले, उसे आश्रम ना दे तो ईश्वर इतना देगा रखने के लिए जगह नहीं होगा। आज मेरे हिंदुस्तान का जोग्राफी वो है, इसलिए आज मैं नफरत करती हूँ इंसान लोगों से जो अपने भगवान जैसे माँ बाप को छोड़कर भागते हैं। वो हमसे कुछ ही नहीं मांगते, पैसा धन संपत्ति नहीं, सिर्फ हमारा साथ मांगते हैं, हमारा प्यार मांगते हैं, ये 2 चीज हमें इसको देना है, वो देने के लिए कतराते हैं। जितना प्यार दोगे उतना प्यार बढ़ेगा, मगर ऐसा क्यों करते ये मेरी समझ में अब तक नहीं है। जब तक ये जो पेपर का बना हुआ पैसा, इससे दूर हो गए तभी कुछ होगा, वरना देश का कुछ नहीं होने वाला सर।